वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो यार काफी क्रेजी एंड काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आप लोगों को भी पता ही है, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को काफी एक्सक्लूसिव लीक दी थी, वो अभी तक किसी ने भी नहीं दी थी। यार इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, इसके लिए अप्रिशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट अपडेट हमारी निकल कर आती है कार्निवल ई-स्पोर्ट्स को लेकर। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो एक्स सोल के प्लेयर्स है वो हमारे को कार्निवल ई-स्पोर्ट्स में ज्वाइन होते हुए दिखाई देंगे। जब हम उस कंपनी की डिटेल में जाते हैं तो हमारे को वहां पे दो डायरेक्टर देखने को मिले जिनका नाम था उमेश गंगाराम चंदुगड़े एंड ओमकार महेश चंदुगड़े। इनकी जो डिटेल है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आप लोगों को भी पता ही है क्रॉन्टन की फैमिली के हैं, इसी के ऊपर जो नियो है उन्होंने बात करी है, क्या बोला वो आप लोग देख। कार्निवल ईस्पोर्ट्स आई गेस इसका अपना ही आई गेस, वो मेरे को पता नहीं इतना अच्छे से वो चीज के बारे में, और मेरे को इस चीज पे बात करना चाहिए कि नहीं आई डोंट नो कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं इस चीज पे। वो क्रॉन्टन ही तुमको बता देगा एक टाइम बाद, मतलब है अपना ही है वो भी, ऐसा कुछ तो है सीन जितना सुना मेरे को बताओ, जितना क्रॉन्टन बोला अपना ही है वो, तो वही है और क्या, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। इसके बाद जो न्यू है उनसे काफी लोग बोल रहे थे कि गॉड लाइक के मेन लाइन अपने आप कब जाने वाले हो, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो 10 दिन में एक बार गेम खेलते, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। यो भूल से भी मेन लाइनअप ज्वाइन मत करना, अरे गाइस मेरे को अभी नहीं इतना इच्छा ही नहीं करता, मैं 10 दिन में एक बार गेम खोलता हूँ। अबे व्हाट द फक। के बाद जो गोल्डी भाई है उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने अमन को ऑफर दिया था कि वो अपने अराउंड टीम सोल को बना सके, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो भी आप लोग देख लो। रेगा का क्या सीन स्पोर्ट्स में, रेगा नीडेड इन सोल, क्रिस्टल हो जा भाई, ही इज नॉट नीडेड इन सोल। इफ यू थिंक ही नीडेड इन सोल, फर्स्ट ही शुड बिकम इनफ अपने आप को प्रूव करे उस हिसाब से, और कंटेंट क्रिएशन छोड़ दे उसको, उससे दिल ले लेंगे। लव फ्रॉम इज आई लव यू यार। अमन छोड़ना चाहे, अमन कंटेंट छोड़ के अपने अराउंड टीम बना आगे से ध्यान दूंगा किससे क्या शेयर करना है। ओके जोकर बोल दे, तेरे को ऑफर दी थी कि नहीं दी थी? हां दी थी, बता पब्लिक को। मैंने इसको सोल टीम जब हमने जो डिसीजन लेने थे मैंने सबसे पहले बोला था, अमन तेरे को अपने अराउंड टीम बना रही है तू बना ले, तेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी है। बोला मैंने बोला कंटेंट छोड़ना पड़ेगा, बोला नहीं वो नहीं हो पाएगा। तो और भाई वो प्रैक्टिकल भी है, अगला बड़ा हो रहा है, फैमिली है, घर है, परिवार है, हम लोग भी है, हम लोग के भी खर्चे होते हैं। ई स्पोर्ट्स में आप जाओगे तो आपका मतलब 24 घंटे में से आपका 15 घंटा आपको खेलने में ही चला जाएगा। इसके बाद हमारे को AFK गेमिंग का एक पॉडकास्ट देखने को मिला क्रॉन्टन के साथ, एंड उसमें हमारे को काफी सारी चीजों को रिवील करते हुए दिखाई दिए क्रॉन्टन। तो उनसे पूछा गया था कि जो खातक भाई है उनके क्या प्लान्स थे, उन्होंने क्यों लीव करा गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को, तो इन सब चीजों को उन्होंने रिवील करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज घाटक हैज लेफ्ट गॉडलाइक, ग्रेट वीडियो अनाउंसमेंट, यू नो सेइंग गुडबाय टू हिम। व्हाट वाज द स्टोरी, क्या हुआ घाटक के साथ, व्हाई डिड घाटक पार्ट वेज विद गॉडलाइक? ऐसा नहीं है कि घाटक ने किया है या गॉडलाइक ने किया है, वैसे बोलो तो वरना हम तो लाइफ टाइम साथ रहने वाले थे, है अभी भी। एक्चुअल में क्या था कि सी घाटक का कुछ गेमिंग में लेकर कुछ और प्लान्स है जो कि उसने एग्जीक्यूट कर दिया, अभी वो अनाउंसमेंट भी करेगा कुछ दिन में, मतलब सोचो लास्ट 2 महीने से वो उसके ऊपर काम कर रहा था ऑफिस एंड ऑल, तो अभी वो अनाउंस भी करेगा। तो वो प्रॉब्लम ऐसा था कि वो हम एक साथ नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है राइट, जैसे एक कोई टीओ और स्पोर्ट और एक साथ रिलेशन नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ही उसके पास खुद के और गए तो अगर वो टूर्नामेंट खेलेगा तो बाद में काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं राइट, और ऐसे कंपनी को कोई पब्लिशर काम भी नहीं देता है यार, खुद एक और ओनर भी है प्लस टीओ ओनर भी है, तो कुछ काइंड ऑफ ऐसा उसका प्लान है जो कि आने वाले डेज में आपको पता चलेगा, बट हम उसके साथ है, वो जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ है, कभी फ्यूचर में उसको जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग स्टोरी एंड ऑल, मस्त वो ग्रो कर रहा है अपने इसमें। इसके बाद हमारे को कुछ ऐसी भी लीक्स देखने को मिली कि जो ड्रीम्स है वो हमारे को TX को लीव करते हुए देख सकते हैं, ऐसा मेजी ने अपनी स्ट्रीम पे बताया, तो उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। PS को टाइम लगेगा TX में ड्रीम्स की आइजलिंग में, ड्रीम्स आइजलिंग कर रहा है सही में, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग ड्रीम्स को हटा देंगे। आई थिंक यहां पे मुझे एक्चुअली लोंडो तुम्हें पुकार का एग्जिट और आई थिंक पोटेंशियल रूमर्स है दैट ही माइट बी जॉइनिंग एंटिटी, कैसा लग रहा है? बिकॉज़ पोटेंशियल रूमर क्या, और कहां ही जाएगा वो, अपने टीममेट्स के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि अरे क्योंकि एंटिटी ने VST का जो लाइनअप था वो तो हटा दिया ना, तो
अब उनके पास अपनी जो लाइनअप थी वो बची हुई है, तो उसमें एक प्लेयर को वो ऐड कर सकते हैं। चैट कैसा लगा? एंड इसके बाद उन्होंने बात करी एसटीएल के साथ राइवलरी के बारे में, साथ में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स को उन्होंने रिवील करा, उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग चेकआउट कर लो दोनों और इसके बीच में। क्या आपको लगता है ये राइवलरी एसेंशियल है ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग इकोसिस्टम में, और ये राइवलरी चालू कब से हुई, कैसे हुई, और कोई बेनिफिट लगा है आपको कि नहीं इसमें से? यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मतलब वो होता है ना कि चालू हो गया है वैसे ही, कि पहले गॉडला एक सोल थी राइट, और दोनों में एक तो कंपटीशन है कि मुझे लगता है अच्छा भी है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हम दोनों जितना ज्यादा ऐसा राइवलरी रखेंगे उतना रहेगा कि अरे मैं इससे बेटर करूँ, अरे नहीं मैं इससे बेटर करूँ। फिर इससे क्या है कि हम दोनों की भी ग्रोथ हो रही है, प्लस ई-स्पोर्ट्स की भी ग्रोथ हो रही है, अलग अलग चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है माइंड में कि ये एकदम प्रॉपर कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब रियल में मन में ऐसा है कि यार चलो लड़ो अब कहीं मिले तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बाहर कहीं पर भी मिलते हैं, मस्त पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो है ऑन स्क्रीन है ऑफ स्क्रीन ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं तो सही है, मुझे तो लगता है स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड इन सारी चीजों के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए सही है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो लोगों को मजा भी नहीं आएगा। बट मुझे लगता है थोड़ा रिसेंटली थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया था, वो नहीं होना चाहिए था, बहुत साइड मिस्टेक थी, बट डेफिनेटली फ्यूचर में ऐसी चीजें नहीं होगी। जो गेम के थ्रू रहेगा उस पर हम फोकस करेंगे, उसके थ्रू हम क्लेम करेंगे कि कौन आगे कौन क्या ऐसा। लास्ट टू क्वेश्चंस, फर्स्ट अ मैसेज फॉर गॉडलाइक फैंस। गॉडलाइक फैंस यार 2023 में हमने ये साल में आपको काफी दुख दिया है, मुझे पता है काफी नाराज किया है, बट अगले साल ये बिल्कुल नहीं होगा। फर्स्ट डे मतलब ऑलरेडी हमने उन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, बट अगले साल फर्स्ट डे से बहुत सारी चीजें, न्यू पार्टनरशिप्स है या फिर नए क्रिएटर हो, नए स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या फिर कुछ ह्यूज अनाउंसमेंट जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसी भी चीज है, बट वो अभी मैं बोलना नहीं चाहता, आने वाले साल में फर्स्ट मंथ में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद काफी लोग बोल रहे थे कि सवितार को मेन लाइनअप में ले लो, तो इस चीज पे उन्होंने रिप्लाई करा, साथ में उन्होंने न्यू प्लेयर के ऊपर भी बात करी, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। सवितार को ले लो, ही इज द बेस्ट एडिशन फॉर गॉडलाइक। अरे शीशिया कौन दे रहा है ज्ञान इतना, क्या पता कोई पकला हो गया है, आप ही ले लो ना फिर। तुम ही ले लो, हमने कहा क्या हमको न्यू प्लेयर चाहिए, नहीं तुम लोग क्यों सजेस्ट कर रहे हो न्यू प्लेयर, ये प्लेयर लोगों को देखने को मिल जाएगा उन टीम्स का जो जल्दी एलिमिनेट हुई है, उन्हें आने वाले में चाहिए रहेगा, जल्दी बोल देगा हमारे को जाना पड़ेगा टीम्स की प्लेयर चाहिए, बात कर इनसे बस सिंपल, और अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनको करने दो मेहनत, साथ में गलतियां सीखेंगे, मुस्लिम कोच आ रहा है कोच सिखाएगा उनको क्या गलती है क्या नहीं है, बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा। बट कैमिन ईस्पोर्ट्स एक ऐसी टीम जिन्होंने कास्टर अकेला दे रहा है तब से अकेला। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉब्लिन को लेके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गॉब्लिन है वो स्टिक करने वाली है टीम सोल के साथ, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, जहाँ पे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के सब्सक्रिप्शन चैनल पे एक मैसेज डाला है, वो मैसेज आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सेंसे को लेके, तो सेंसे उनसे रिलेटेड मेरे को एक लीक मिली है कि वो हमारे को टीम एक्सपर्ट को ज्वाइन करते हुए दिख सकते हैं, एंड देखते हैं इसके ऊपर हमारे को कब कंफर्मेशन देखने को मिलेगी, एंड देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या रहता है। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है टीम इनसेन को लेके, तो मेरे को जहां तक लीक मिली है हमारे को टीम इनसेन जो है वो ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स को ज्वाइन करती हुई दिख सकती है, एंड आप लोगों को भी इसकी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद काफी लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे को टीम सोल कहां पे ज्वाइन करती हुई दिखाई देगी, कौन सा लाइनअप वो लेने वाले हैं, तो इस चीज से रिलेटेड भी मेरे को एक अपडेट मिली है कि जो ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स का लाइनअप है वो हमें टीम सोल में जाता हुआ दिखाई देगा, एंड इसकी अनाउंसमेंट भी मेबी हमें बहुत जल्दी देखने को मिले, तो आप लोगों को इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो स्पेयर हुए उनका हमारे को इस चीज के ऊपर एक रिएक्शन देखने को मिला, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि मान्या एंड गॉब्लिन हमारे को सेम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख लो। एंड इसके बाद जो सेट भाई उनका भी हमें एक ट्वीट देखने को मिला, जहाँ उन्होंने लिखा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।